अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं सरा सुहेल। आज मैं लाई हूं आपका रिक्वेस्टेड टॉपिक और वो है आंखों के गिर काले घेरे यानी डार्क सर्कल्स। डार्क सर्कल्स हो जाने के बहुत से रीजन होते हैं। ये कोई बीमारी नहीं है, मगर इस चीज की अलामत जरूर है कि कुछ तो गलत हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर या हमारी डेली रूटीन में जो हमें इफेक्ट कर रहा है। हमारी आंखों के इर्द गिर्द की स्किन हमारे पूरे चेहरे की बनिस्बत मुख्तलिफ होती है। ये बाकी चेहरे की स्किन की बनिस्बत पतली होती है क्योंकि इसमें इलास्टिक या कोलेजन टिश्यू कम होता है और इसके साथ ही इसमें ऑयल ग्लैंड्स और स्वेट ग्लैंड्स भी बहुत कम होती है। इसीलिए हमारी आंखों के गिर्द की स्किन हमारे बाकी चेहरे की बनिस्बत बहुत ड्राई रहती है और बहुत जल्दी डैमेज होने लगती है और काली पड़ने लगती है। जब कोई क्रीम, साबुन, लोशन या मेकअप प्रोडक्ट हमें सूट नहीं करता तो सबसे ज्यादा और सबसे पहले हमारी आंखों के इर्द गिर्द की स्किन डैमेज होने लगती है। कोशिश करें कि रोजाना ऑलमंड ऑयल से अपनी आंखों के गिर्द मसाज करें ताकि स्किन डिहाइड्रेटेड होकर सूखने ना पाए और आंखों के गिर्द की रंगत काली ना हो। मगर अब जब ऑलरेडी आपको डार्क सर्कल्स हो चुके हैं तो उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात कर लेते हैं। अच्छी तरह से जान लें कि डार्क सर्कल्स आपकी आंखों के ऊपर की स्किन पर नहीं बल्कि आपकी स्किन के अंदर मौजूद ब्लड वेसल्स के फैल जाने की वजह से हैं। तो अपना एचपी का भी टेस्ट करवा लें ताकि ये मालूम कर सकें कि कहीं ये डार्क सर्कल्स खून की कमी की वजह से तो नहीं हो रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आप डार्क सर्कल्स को खत्म करना चाहते हैं तो आपको उसके रीजंस पर ध्यान देना होगा और एक्सटर्नल ट्रीटमेंट के साथ साथ हमारी बॉडी के अंदर जो कमी है जिसकी वजह से ये डार्क सर्कल्स बन रहे हैं उसे भी दूर करना होगा। तो कुछ रीजंस का मैं यहाँ जिक्र करना जरूरी समझती हूँ ताकि आप समझ सकें कि आपके साथ मसला क्या है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सनबर्न की, यानी कि चेहरे की स्किन का सूरज की रोशनी से जल जाना। इससे ज्यादातर वो लोग इफेक्ट होते हैं जो बाहर निकलते वक्त सनग्लासेस या सनस्क्रीन का इस्तेमाल नहीं करते और चेहरे को धूप से नहीं बचाते। दूसरी चीज है ऐसी क्रीम या प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना जो कि सस्ती मेकअप प्रोडक्ट्स हो या फिर उनके अंदर केमिकल्स का इस्तेमाल किया गया हो। ऐसी प्रोडक्ट हमारी स्किन को नुकसान पहुँचा है जिसकी वजह से एलर्जी हो जाती है या स्किन बर्न हो जाती है और ज्यादा हाथ लगाने या खारिश करने से भी आंखों के गिर्द एरिया काला होने लगता है। हवा में मिट्टी, धूल, गंदगी, तेल और पेट्रोल का धुआं रोज रोज थोड़ा थोड़ा करके हमारी स्किन को डैमेज करता रहता है और इस वजह से भी डार्क सर्कल्स बढ़ने लगते हैं। इसके साथ ही जिस्म में पानी की कमी यानी कि डिहाइड्रेशन, मिनरल्स एंड विटामिंस की कमी, विटामिन ए, B12, विटामिन सी, डी और ई, एनीमिया यानी कि खून की कमी, थकन, स्ट्रेस, रात भर देर तक जागना, मोबाइल फोन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना, कंप्यूटर स्क्रीन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना, कॉफी इनटेक बहुत ज्यादा रखना, टीवी बहुत ज्यादा देखना या स्मोकिंग करना, इन सभी चीजों के ज्यादा इस्तेमाल से हमारी आंखों के गिर्द काले घेरे बनने लगते हैं यानी कि डार्क सर्कल्स लगते हैं। इनका आना आसान और जाना बहुत ही मुश्किल होता है, इसीलिए वक्त रहते एहतियात बहुत जरूरी है और जाहिर इलाज के साथ साथ रीजंस को खत्म करना भी बहुत जरूरी है। तो रीजंस को खत्म करने के लिए आपको पहले अपनी रूटीन पर गौर करना होगा कि कौन से ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से आपको ये डार्क सर्कल्स हो रहे हैं और उसी के हिसाब से आपको अपनी हैबिट्स को बदलना होगा। इसके साथ ही बॉडी को प्रॉपरली हाइड्रेट रखना होगा, मिनरल्स और विटामिंस की कमी को पूरा करने के लिए जूसेस लेने होंगे और साथ ही मुकम्मल नींद भी लेनी होगी। बात रीजंस पर बहुत लंबी हो सकती है लेकिन मैं यहाँ अपनी रेमेडीज की तरफ जाना चाहूंगी जो कि बहुत ही कमाल की रेमेडीज है डार्क सर्कल्स को बहुत ही जल्दी रिमूव करने के लिए। लेकिन सिर्फ डार्क सर्कल्स ही नहीं, सनकन आईज, अंडर आई का हॉलोनेस, टियर डक्ट्स या पफिनेस, फाइन लाइन, रिंकल्स एंड क्रॉस फेड्स, ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। लेकिन मैं आप लोगों के साथ इन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अलग अलग रेमेडीज नहीं शेयर करने वाली हूँ बल्कि मैंने अपनी रेमेडीज को कुछ इस तरह से तैयार किया है कि चाहे आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम हो वो सब इन रेमेडीज से हल होने लगेंगी। इन रेमेडीज को अगर आप रेगुलरली इस्तेमाल करेंगे तो आपकी आंखों के नीचे के ऊपर की सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपको आसान और आसानी से घर पर तैयार होने वाली रेमेडीज बताऊं, जिनको आप आसानी से फॉलो भी कर पाए और तैयार भी कर पाए और जिनके आपको अच्छे रिजल्ट्स भी मिले वो भी कम टाइम में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको चाहे अंडर आई, डार्क सर्कल्स की या कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसके लिए आपको एक पैक लगाना है और एक सीरम लगाना है। पैक के लिए भी मैं आपको दो ऑप्शन दे रही हूँ, सीरम के लिए भी मैं आपको दो ऑप्शन दे रही हूँ। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपके पास कौन से इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल हैं, उसके हिसाब से आप अपना सीरम और मास्क बनाकर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलते हैं पैक नंबर 1 की तरफ। पैक बनाने के लिए जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट आपको चाहिए वो है मिंट लीव यानी कि पुदीने के पत्ते। इनको अच्छी तरह से तोड़ लेना है, धो लेना है और फाइनली क्रश कर लेना है। Then
बनाएंगे फ्रेश क्यूकम्बर जूस यानी के खीरे का रस। खीरे को भी काट लेना है, धो लेना है अच्छे से और उसके बाद चॉपर में चॉप कर लेना है। इतना चॉप करना है कि उसका भी जूस निकल आए। अब खीरे के इस रस में से तकरीबन 3 से 4 चम्मच हम ले लेंगे और ऐड कर देंगे पुदीने के रस में। फिर उसमें 1/4 टीस्पून टर्मरिक यानी कि हल्दी पाउडर को ऐड कर लेना है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जूस को हम अलग कर लेंगे और ये पत्तों से जो पैक हम लोगों को मिला है इसे हम अलग कर लेंगे कुछ इस तरह से। अब आपको पहले जूस को अपनी आइस पर अप्लाई करना है। उसके लिए आप छोटा सा कॉटन बॉल ले लें। कॉटन बॉल नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अपने फिंगर से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जहाँ पर भी आपको डार्क सर्कल्स का प्रॉब्लम है, आइस के ऊपर जहाँ पर भी डार्कनेस है वहाँ अच्छे से इस जूस को अप्लाई कर लें। इसके साथ ही डार्क सर्कल्स के अलावा कोई प्रॉब्लम है, पफिनेस का प्रॉब्लम है, टियर डक्ट संकन आइस का प्रॉब्लम है, उस सिचुएशन में भी ये जूस और ये पैक बहुत अच्छा काम करेगा। जब आप इसे अप्लाई करेंगे तो आपको हल्की सी टिंगलिंग सेंसेशन महसूस हो सकती है यानी कि थोड़ी चुभन महसूस हो सकती है पुदीने की वजह से, लेकिन ये टिंगलिंग सेंसेशन जरूरी है क्योंकि इस टिंगलिंग से आपकी आई के अराउंड एरियाज की ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होगी जिसकी वजह से आपके डार्क सर्कल्स फेड होने लगेंगे। तो इसीलिए हम पहले जूस को अच्छे से अप्लाई कर लेंगे, उसके बाद उसके ऊपर ही हम पैक को अप्लाई करेंगे। तो अभी पैक जो हमने बनाया है पुदीने के पत्तों से इसे हम अपनी आईज पर अप्लाई कर लेते हैं कुछ इस तरह से। पुदीने की वजह से आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होगी, हल्दी की वजह से डिस्कलरेशन कम होना शुरू होगी और क्यूकम्बर की वजह से आपको माइल्ड ब्लीचिंग इफेक्ट और स्किन टाइटनिंग इफेक्ट भी दिखेगा। अब इस सिरप को और इस पैक को अप्लाई करने के बाद आपको कम से कम 20-25 मिनट वेट करना है, उसके बाद आप इसे नॉर्मल टैप वाटर से वॉश कर लें। तो अब बारी आती है पैक नंबर 2 की। उसके लिए हम लेंगे एक खीरा, उसे आपको अच्छे से क्रश कर लेना है और उसका जूस एक बाउल में कलेक्ट कर लेना है। फिर आपको दूसरा खीरा लेना है और आपको उसको बिल्कुल सेंटर से कट करना है जहाँ से वो बिल्कुल ही गोल और राउंडेड होता है। कट करने से पहले उसको अच्छे से पील ऑफ कर दें यानी कि उसके छिलके रिमूव कर दें। उसके बाद बिल्कुल बारीक बारीक बिल्कुल थिन स्लाइसेस में उसे काट लें। छिलके इसलिए रिमूव करना जरूरी है और इसको बारीक काटना इस वजह से जरूरी है क्योंकि हम इसे अप्लाई करेंगे अपनी आईज पर, तो अगर ये मोटे होंगे तो हमारी आंखों पर प्रॉपरली ये बैठेंगे नहीं। यही गलती हम करते हैं कि मोटे मोटे स्लाइसेस काटते हैं जो आंखों पर ठीक से बैठते भी नहीं और फिर इसी वजह से हमें अच्छे रिजल्ट्स भी नहीं मिलते। सही तरीका यही है कि इनको बिल्कुल फाइनली थिन स्लाइसेस में कट किया जाए ताकि ये हमारे अंडर आई एरिया में अच्छे से एडजस्ट हो सके। अब जो क्यूकम्बर पाउडर हमने कलेक्ट किया था उसमें 1/2 टीस्पून हम हल्दी पाउडर यानी कि टर्मरिक पाउडर ऐड करेंगे, उसे अच्छे से मिक्स करेंगे और जो खीरे के बारीक कटे हुए स्लाइसेस थे उन्हें हम इस सिरप में ऐड कर देंगे और अब इसे हम रखेंगे फ्रिज में कम से कम 4 से 5 घंटों के लिए। खीरे के 3 पार्ट्स होते हैं, एक को हम निकाल देंगे इस सूरत में कि अगर आपको सिर्फ आइस के नीचे वाले एरिया में डार्कनेस है, जिनकी आइस के ऊपर भी डार्कनेस है वो इसे ना काटें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और इस तरह से डेली इसमें से 2 किलो को उठाया और अपनी आईज पर अप्लाई कर दिया। मैं बता चुकी हूँ कि क्यूकम्बर में माइल्ड ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती है जो कि हमारी स्किन को टाइटन भी करती है और आंखों की डिस्कलरेशन को भी कम करती है। इससे डार्क सर्कल्स भी रिमूव होते हैं और क्योंकि हम इनको ठंडा कर यूज कर रहे हैं तो ये हमारी पफिनेस को भी रिड्यूस करते हैं। इसके अलावा टर्मरिक पाउडर सब जानते हैं कि डिस्कलरेशन को दूर करने के लिए बेस्ट रेमेडी है, तो ये डार्क सर्कल्स को फेड करती है और इसके अलावा हमारी स्किन को वाइटन करती है। फ्रिज में रखकर ठंडा करके यूज करने से आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा, इसके साथ ही आंखों के नीचे की पफिनेस भी दूर हो जाएगी और आपके पफिनेस और हॉलोनेस की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होने लगेंगी। तो इसे 20-25 मिनट्स के लिए आपने अपने अंडर आई एरिया पर अप्लाई करना है और उसके बाद आप आईज को वॉश कर सकते हैं। तो इन दोनों में से एक दिन में आप एक ही पैक यूज कर सकते हैं, आप जो भी पैक यूज करना चाहें। तो अब चलते हैं अपने सीरम की तरफ। तो पहला सीरम तैयार करने के लिए आपको चाहिए 1 पोटैटो, इसको भी अच्छे से क्रश करके इसका जूस कलेक्ट कर लें। उसके बाद पुदीने के पत्ते लें, उन्हें भी अच्छे से क्रश करके
हाथों से अच्छे से निचोड़ कर उनका जूस भी अलग कर लें। अब इसमें ऐड करें 1 टेबलस्पून आलमंड ऑयल। आलमंड ऑयल आपकी स्किन को लाइटन करेगा। आलमंड ऑयल में रेटिनॉल और विटामिन के ही होता है जो आपकी स्किन को लाइटन करने में बहुत मददगार होता है और आपके डार्क सर्कल्स को रिड्यूस करता है। और साथ ही 1 टेबलस्पून एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आंखों को बहुत ही अच्छे से सूट करेगा। एलोवेरा सूखी हुई आंखों के लिए भी बहुत ही अच्छा है, साथ ही साथ आंखों को डीपली हाइड्रेशन भी प्रोवाइड करता है। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आप ओरिजिनल एलोवेरा जेल लेने के बजाय बाजार से किसी अच्छे ब्रांड का 99% एलोवेरा जेल परचेज कर लें। आप कोई भी अच्छा ब्रांड ले सकते हैं, क्योंकि ओरिजिनल एलोवेरा जेल अगर हम इस सीरम में इस्तेमाल करेंगे तो वो 1 से 2 दिन में खराब हो जाएगा, और अगर हम बाजार का एलोवेरा जेल इस्तेमाल करेंगे तो उससे इस सीरम की शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। यानी कि अगर गर्मियां हैं तो हम फ्रिज में रखकर अपनी इस सीरम को 1 वीक तक आराम से इस्तेमाल कर सकेंगे और ये ज्यादा देर तक खराब नहीं होगा। एलोवेरा जेल को अगर नॉर्मली भी आप फ्रिज में रखकर इस्तेमाल करें तो बिना किसी दूसरे इंग्रेडिएंट को इस्तेमाल किए भी डार्क सर्कल्स पर आप अच्छे रिजल्ट्स को पा सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें और ये तैयार हो गया हमारा पहला अंडर आई डार्क सर्कल सीरम। और ये डार्क सर्कल पफिनेस, हॉलोनेस, क्रॉस फिट, सनकन आईज, रिंकल्स सब प्रॉब्लम्स के लिए एक साथ काम करेगा और आपकी आंखों के गिर पड़ी लाइंस को भी खत्म करेगा। इस सीरम को लेकर रात के वक्त आपको सोने से पहले अपनी रिंग फिंगर से मसाज करना है, बिल्कुल हल्के हाथ से मसाज करना है। और रिंग फिंगर का यूज इसीलिए करना है क्योंकि रिंग फिंगर से आईज को सबसे कम प्रेशर मिलता है। जोर जोर से आंखों को हरगिज नहीं रगड़ना, क्योंकि आंखों के इर्द गिर्द की स्किन नाजुक होती है और जोर जोर से रगड़ने से डैमेज हो सकती है। तो इस सीरम को अच्छे से मसाज करके रात को आपको सो जाना है और सुबह उठकर इसको वॉश कर लेना है। अब चलते हैं सीरम नंबर 2 की तरफ। उसके लिए आपको लेना है 2 टेबलस्पून आलमंड ऑयल यानी कि बादाम का तेल। बादाम के तेल से ही बना हुआ सीरम इस्तेमाल करें क्योंकि उससे आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इस ऑयल में हम ऐड करेंगे 1 से 1.5 चम्मच कॉफी पाउडर। कॉफी पाउडर में मौजूद कैफीन बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारी आंखों के नीचे मौजूद ब्लड वेसल्स को श्रिंक करता है। इसके साथ ही पफिनेस और डिसकलरेशन को भी रिड्यूस करता है, जिससे आपके डार्क सर्कल्स भी रिड्यूस होंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर से बहुत ही जल्दी गहरी अंदर साफ होने लगती है। और अगर हम इस सीरम में हल्दी पाउडर की जगह टर्मरिक एसेंशियल ऑयल यूज करेंगे तो इसका और भी अच्छा रिजल्ट हमें मिलेगा। अब फाइनली हम इसमें ऐड करेंगे एलोवेरा जेल। पहले की तरह बाजार से लिया हुआ ही इसमें ऐड करेंगे, ओरिजिनल एलोवेरा जेल नहीं ऐड करेंगे। और अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और रेडी हो गया हमारा ये दूसरा सीरम। मैं यहाँ डिजार का एलोवेरा जेल इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि इसे मैंने यूज किया और मुझे इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले, इसीलिए ये मुझे बहुत पसंद है। आप किसी भी अच्छे ब्रांड का 99% एलोवेरा जेल इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी इजीली अवेलेबल हो। इसे भी अंडर आई एरिया पर अच्छे से मसाज कर लेना है और अगर आंखों के ऊपरी एरिया पर भी डार्कनेस है तो वहां पर भी अप्लाई कर लेना है। आपने बिल्कुल हल्के हाथ से अंदर से बाहर को मसाज करना है, बहुत ही लेस प्रेशर के साथ। मसाज बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करेगी, जिससे डार्क सर्कल की प्रॉब्लम रिड्यूस होने लगेगी। तो मैंने आज आपको पैक भी 2 बताए हैं और सीरम भी 2 बताए हैं। पैक भी जस्ट एक दिन में इस्तेमाल करना है और सीरम भी जस्ट एक दिन में इस्तेमाल करना है। तो दोनों में से जो भी सीरम आप इस्तेमाल करें उन्हें रात को इस्तेमाल करें और सुबह उठकर ही वॉश करें। इसके साथ ही स्ट्रेस को दूर करना, हाइड्रेटेड रहना, अपनी नींद पूरी करना, ये सब चीजें भी बहुत जरूरी है। इसके साथ ही जो मटेरियल हमारा बच जाएगा, जैसे कि आलू हमने क्रश किए थे, तो इन क्रश्ड पोटैटोस को हम वेस्ट नहीं करेंगे बल्कि इन्हें फ्रीजर में स्टोर करके हम इनके आइस क्यूब्स बना लेंगे और डेली बेसिस पर वेट वाइप को वॉश करके या किसी कपड़े में इन आइस क्यूब्स को रख कर हम अपनी आंखों के नीचे अच्छे से मसाज करेंगे। ध्यान रखिए कि ज्यादा देर तक एक जगह पर इस आइस को नहीं रखना है,
बल्कि हम इसे मूव करते रहेंगे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। जो लोग डायरेक्ट आइस बर्दाश्त कर सकते हैं वो इसे बगैर कपड़े में रखे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जिनकी स्किन सेंसिटिव है वो इसे कपड़े में रखकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पोटैटो आपको स्किन वाइटनिंग का इफेक्ट देगा, और क्योंकि हम इसे आइस क्यूब्स की सूरत में इस्तेमाल करेंगे तो इसे हमारी पफिनेस भी दूर होगी और स्किन टाइटनिंग में भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और जिससे हमारी फाइन लाइंस और रिंकल्स भी दूर होंगे। अगर आपके लिए ये रेमेडीज तैयार करके इस्तेमाल करना मुश्किल है जबकि इनके बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं, मगर फिर भी अगर आप इन्हें तैयार नहीं कर सकते तो एक बहुत ही सिंपल मेथड है। आपको जस्ट एलोवेरा जेल लेना है और उसमें 3 से 4 ड्रॉप्स विटामिन ई के मिक्स करने हैं और उसे डेली बेसिस पर आंखों के गिर्द अप्लाई कर लेना है। दूसरी आसान रेमेडी ये है कि आपको लेना है हनी 1 टेबल स्पून, उसमें ऐड करने हैं विटामिन ई के 2 ड्रॉप्स, और रात को सोने से पहले इस मिक्सचर को अपनी आंखों के नीचे अप्लाई कर सो जाना है और सुबह उठकर वॉश कर लेना है। इन दोनों रेमेडीज से भी आपकी आंखों के इर्द गिर्द का एरिया हाइड्रेटेड होने लगेगा, ब्लड सर्कुलेशन तेज होने लगेगा, टाइटन होने लगेगा, और आहिस्ता आहिस्ता विटामिन ई के वजह से भी डिस्कलरेशन दूर होने लगेगी। विटामिन ई रिंकल्स और क्रॉसफिट्स को दूर करेगा। ये दोनों सिंपल रेमेडीज उन लोगों के लिए है जो बाकी रेमेडीज को तैयार नहीं कर पाते किसी भी वजह से और ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते, और इन रेमेडीज को कम से कम 1 से 3 माह तक इस्तेमाल करें। अगर आपके डार्क सर्कल बहुत ही गहरे होंगे तो वो 3 माह में बिल्कुल चले जाएंगे, और अगर वो हल्के होंगे तो 1 माह में भी आप उनसे छुटकारा पा लेंगे। क्योंकि जैसा कि पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ कि डार्क सर्कल आसानी से आते जरूर हैं मगर जाते नहीं, तो मार्केट से मिलने वाले प्रोडक्ट्स के भरोसे ना रहें और होम रेमेडीज से ही इनका इलाज करें, जिनका रिजल्ट लेट जरूर मिलता है लेकिन मिलता है 100%। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि 10 दिन में ही आपको इन रेमेडीज का असर नजर आने लगेगा, और फिर कुछ ही हफ्तों के इस्तेमाल से आपके डार्क सर्कल्स के साथ साथ आंखों के बाकी मसाइल भी हल हो जाएंगे, और आप महंगी क्रीम्स और प्रोडक्ट्स से भी बच जाएंगे जिनका के रिजल्ट भी बस वक्त ही होता है। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो जो मैंने आप लोगों की रिक्वेस्ट पर बनाई है। डार्क सर्कल्स की बहुत ही रिक्वेस्ट आ रही थी, तो सबसे बेस्ट रेमेडीज मैंने आपके साथ शेयर की है। इन्हें पूरी यकीन के साथ इस्तेमाल करें और कम से कम 1 से 3 माह तक इन्हें जरूर इस्तेमाल करें, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा और ये वापस आएंगे भी नहीं। ये सब रेमेडीज आपकी आंखों के गिर्द के सारे मसाइल को हल करेंगी और किसी भी किस्म की इन्फ्लेमेशन को दूर करेंगी। अगर आपको मेरी ये रेमेडीज पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आगे आने वाली रेमेडीज बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो ऐसे ही अच्छी अच्छी रेमेडीज आप लोगों के लिए लाती रहूंगी जो आपकी बहुत सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगी। तो अब मुलाकात होगी आपसे मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।